कितने का खरीदा है? 9,500 का। ये बचत बाजार है तो यहाँ पर हम लोग 10 और 20 रुपए चलाते हैं। जैसे 250-300 रुपए का प्लास हम 250 रुपए का यहाँ देते हैं। असल में लोग जो है वो कम रेट में चीज लेते हैं। चाइना का भी होता है, ताइवान का भी होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद। दोस्तों जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज हम मौजूद हैं कराची के मशहूर यूपी बचत बाज़ार में। इतवार के रोज़ लगने वाला ये बाज़ार ऐसा है जहां पे अशियाए ज़रूरिया की हर चीज़ इंतहाई मुनासिब रेट में ली जा सकती है। यहां पे क्या क्या मिलता है और लोग क्या क्या चीज़ें ख़रीदने इस बाज़ार का रुख करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा नासिर साहब, क्या कहते हैं आप ये बेच रहे हैं लेसेस वगैरह, तो ये क्या प्राइस हैं और ये यहाँ पे आप बेच रहे हैं किस रेट पे बेच? ये हम लोग 10 रुपये और 20 रुपये गज बेचते हैं और मार्केट रेट से कम ही होते हैं। दूसरी दुकानों पर 50-30 रुपये गज बिकती है तकरीबन। ये बचत बाजार है तो यहाँ पर हम लोग 10 और 20 रुपये चलाते हैं। ये हमारे पास टूल्स का सामान होता है, इसमें नॉक प्लास, प्लास, पेशकश वगैरह हर चीज़ होती है। घोटी पाने होते हैं, फिक्स पाने होते हैं, रिंग पाने होते हैं, हथौड़ी होती है, प्ला हर चीज़ होती है हमारे पास। हम जो दुकान पे देते हैं ना, जैसे मसलन ये प्लास 200 रुपये का है, हम 180 रुपये का देते हैं यहाँ पे। जैसे 250-300 रुपये का प्लास हम 250 रुपये का यहाँ देते हैं। यानी दुकान से मार्केट से हम सस्ता ही देते हैं यहाँ पे, और हमसे अल्लाह का शुक्र है कि लेके जाते हैं। क्वालिटी एक नंबर भी होती है इसमें। दो नंबर हम बता के देते हैं कि भाई ये हल्की क्वालिटी है, ये भारी क्वालिटी है। चाइना का भी होता है, ताइवान का भी होता है, हर मुल्क का होता है, चाइना का ज़्यादा होता है। क्वालिटी है, ये जारजट पे भी हैं, लीलन पे भी हैं, बिरोची चादर जो हैं, मुख्तलिफ दाम की हैं, मतलब अलग अलग दाम की हैं। दुकान पे तो जो 1500 की मैं जो बता रहा हूँ वो तो 2200 बताते हैं। असल में लोग जो है वो कम रेट में चीज़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमारे पास आती है जो कि हम बंद बेचते हैं, ठीक है। अब वो कस्टमर बंद से मतलब, बंद से मुराद ये है कि हमारे पास लाट में जैसी आती है हम वैसी बेच देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो ऑन करके, अब हमारा जो ज़्यादा होता है हम तो ऑन ही करके बेचते हैं। ऑन चीज़ों में ये फ़र्क होता है कि उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसको ले जाते हैं, उसको रिपेयर करके ऑन करके यहाँ पे रख देते हैं। और जो बंद चीज़ें होती हैं वो हम सेम टू सेम जो डेड चीज़ होती है वो ला के ऐसी रख देते हैं और कस्टमर को बता देते, कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास HP, डेल, लेनोवो सारी कंपनी के लैपटॉप होते हैं, सब ब्रांड लिखे हुए हैं और कम प्राइस में होते हैं मार्केट से, 500-1000 रुपये कम प्राइस में होते हैं हमारे पास। अच्छा, कम प्राइस रखने की वजह बचत बाज़ार है या इनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है? नहीं, ये बजट बाज़ार है, हमारी मार्केट में शॉप है, वहाँ हम इसको अपने ही रेट में बेचते हैं और यहाँ 500-1000 रुपये कम में बेचते हैं जी। एक हफ़्ते की वारंटी भी देते हैं, चेक भी कराते हैं, हमारी नास प्लाजा में शॉप है, सारी चीज़ें चेक करा के देते हैं, हम रसीद बना के देते हैं। कितने का ख़रीदा है? 9,500 का। सर, यहाँ पे बचत बाज़ार है तो यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए हम आते हैं यहाँ पे। हाँ, इस बाज़ार से हमने पहले एक LCD खरीदी की, अभी एक दफ़ा हमने जो है ना ये खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से? माशाल्लाह अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, रेट मुनासिब होता है। नहीं, हमने एक दफ़ा LCD ली थी तो अभी हमारे उसको जो है ना 3 साल हो गए, हमने LCD ली थी, वो अभी तक बेहतरीन चल रही है, कोई मसला नहीं। और वो 8,000 की हमने 4,000 की ली थी। यूपी संडे बाज़ार का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा। यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें बहुत ही मुनासिब दाम में भी मिलती हैं, लेकिन अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हैं। यह आपके एक्सपीरियंस पे बात है कि आप किस किस्म की चीज़ को अपने लिए पसंद करते हैं। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कराची अपडेट्स की हर वीडियो बर वक्त मिल सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।